इंस्टाग्राम पर अगर आप व्हाट्सएप नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो हे गाइस, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदि सिंह। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं कि अपने इंस्टाग्राम पर व्हाट्सएप नंबर को ऐड करें, चाहे आपका नॉर्मल व्हाट्सएप हो या आपका GB व्हाट्सएप हो या अगर आपका बिजनेस व्हाट्सएप हो या कोई भी व्हाट्सएप हो, अगर उसका नंबर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पर ऐड करें, वहां पर आपको एक बटन दिखे व्हाट्सएप का और जैसे ही उस पर कोई क्लिक करे तो डायरेक्ट आपके जो है व्हाट्सएप पर चला जाए और वहां पर आपको जो है वो मैसेज कर पाए। तो ये वीडियो देखते रहिए आप। और उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आप व्हाट्सएप नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है इंस्टाग्राम पर आ जाना होगा। आपके प्रोफाइल को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। तो सबसे पहले आप प्रोफाइल पे आ जाइए। तो ये मेरा प्रोफाइल है। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, मुझसे अपडेट रहना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद आपके प्रोफाइल में एक ऑप्शन मिलेगा एडिट प्रोफाइल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट ऑप्शन और बगल में लिखा हुआ है ईमेल और फ़ोन। हो सकता है कि आपको ईमेल भी लिखा हो, फ़ोन भी लिखा हो या दोनों ना भी लिखा हो। तो आपको क्या करना है कि आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें आपका जो है पब्लिक इन्फॉर्मेशन में आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस दिख जाएगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप बिजनेस फोन नंबर। इसमें आप अपना GB व्हाट्सएप का नंबर डाल सकते हैं, नॉर्मल व्हाट्सएप का नंबर डाल सकते हैं और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट का भी नंबर डाल सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में नहीं मालूम है तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जाकर आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप बिजनेस फोन नंबर जो लिखा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक किया देख सकते हैं लिखा हुआ है कनेक्ट योर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। तो उसके बाद क्या होगा कि आपके जो इंस्टाग्राम पर पहले से जो नंबर है, जिस नंबर से आपने इंस्टाग्राम बनाया है, वो नंबर यहाँ पर सजेस्ट करेगा। तो अगर आप यही नंबर को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर US+1 जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको जो है इंडिया सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि हमारा जो देश है वो इंडिया है। आपको तो पता ही है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्हाट्सएप बिजनेस नंबर। आप यहाँ पर व्हाट्सएप बिजनेस नंबर को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप बिजनेस नंबर को ऐड कर लेता हूँ। तो क्या है कि मेरा जो ऑलरेडी व्हाट्सएप है वो इसी नंबर से है, तो मैं इसी नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप नीचे ऐड कर लीजिएगा, टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है कि नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट करते ही सेंड कोड, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो व्हाट्सएप बिजनेस है, यानी कि आपने जो व्हाट्सएप बनाकर रखा है, उस पर आपको जो है यहाँ पे इंस्टाग्राम की तरफ से आपको जो है यहाँ पे 5 डिजिट का जो है आपको एक कोड मिलेगा। तो वो कोड को जो है डालना होगा। तो मेरा व्हाट्सएप बिजनेस देख सकते हैं नोटिफिकेशन ऊपर आ गया हुआ है 89312। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ टाइप 8। तो आपका अलग कोड होगा, OTP जो आएगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। देख सकते हैं लिखा हुआ है कि नाउ यू कैन क्रिएट व्हाट्सएप ऐड। तो हमें व्हाट्सएप ऐड को क्रिएट नहीं करना है, तो नीचे हम क्या करेंगे कि नोट नाउ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ईमेल एड्रेस आ गया, यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ गया और यहाँ पर जो है मेरा जो फ़ोन नंबर इसमें रजिस्टर्ड है वो भी आ गया। अब क्या करना है कि ऊपर टिकआउट का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं पहले जो कॉन्टैक्ट ऑप्शन में सिर्फ ईमेल और फ़ोन आ रहा था, वहाँ पर अभी जो है व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आ गया। अब क्या करना है कि ऊपर फिर से टिकआउट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं आपके प्रोफाइल में कुछ चेंज हुआ, आपको पता नहीं चल रहा होगा। अभी क्या करना है कि नीचे आपको एक देख सकते हैं नीचे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन बन गया हुआ है, उस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो नीचे आपका कॉल, ईमेल और व्हाट्सएप, तो आपका कॉल का जो नंबर है वो आ जाएगा, आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आ जाएगा और उसके नीचे आपका जो व्हाट्सएप है वो आ जाएगा। तो जहाँ से आपने व्हाट्सएप नंबर को चेंज किया है, ठीक है, जिस ऑप्शन में मिला है, जैसे कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन में जो मिला है कॉन्टैक्ट वाले में, तो उसी में आप अपना बिजनेस ईमेल एड्रेस को भी ऐड कर सकते हैं। तो जब भी कोई व्हाट्सएप पर क्लिक करेगा तो आपके सामने जो है उसके सामने व्हाट्सएप आ जाएगा। तो मेरे फ़ोन में 2 व्हाट्सएप, इसलिए 2 व्हाट्सएप दिख रहा है। तो जैसे ही कोई व्हाट्सएप पर क्लिक करेगा और व्हाट्सएप को ओपन करेगा तो डायरेक्ट जो है आपका नंबर सर्च कर देगा और वो आपके जो है मतलब इसमें चला जाएगा, तो डायरेक्ट आपको जो है यहाँ से वो मैसेज कर पाएगा। तो ऐसे करके जो है आप अपने व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।